विशाल कुमार जी ने पूछा है कि उनका पहला सवाल है एक्टिंग कब तक सीखनी चाहिए, दूसरा सवाल है मुंबई में ऑडिशन के बारे में कैसे पता चलेगा, और तीसरा सवाल है मुझे कॉमेडी एक्टर बनना है किस तरह प्रैक्टिस करूं। पहले सवाल का जवाब, एक्टिंग कब तक सीखनी चाहिए, एक्टिंग कब तक सीखनी चाहिए भाई, एक्टिंग का मतलब होता है बहुत सारे किरदार, बहुत सारे कैरेक्टर को परफॉर्म करना, और दुनिया में हजारों परफॉर्म कैरेक्टर हैं जिसको परफॉर्म करना है, और जब भी किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके हाव भाव बोल चाल सारा चीज़ जानना जरूरी होता है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है, अपने आप को ढालना होता है, उसको फील करना होता है, समझना होता है। और अगर आप उम्र के 70 साल की उम्र में जाकर अगर आपको कोई एक ऐसा कैरेक्टर करना है जिसके बारे में कभी आपने देखा नहीं है, सोचा नहीं है, तो वो एक्टिंग भी आपको सीखनी होगी, चाहे वो आपका डायरेक्टर आपको सिखाए, चाहे आपका राइटर आपको सिखाए, चाहे आपकी स्क्रिप्ट आपको सिखाए, चाहे आप अपने आप में सीखो। तो कहने का मतलब है कि एक्टिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती और एक्टिंग सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो भी आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, और जब आप सच बोल रहे होते हैं तो भी आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। एक्टिंग करने का मतलब है कि दूसरों पर प्रभाव डालना, अपनी एक्टिंग से, अपने अभिनय से दूसरों के ऊपर ये जताना कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, यही एक्टिंग है। और अपने आप को किसी और के प्रति प्रमाणित, खरा कसौटी में सही साबित करना, इस एक्टिंग को सीखने की ज़रूरत नहीं है, फील करने की ज़रूरत है। और सीखने की भी ज़रूरत अगर है तो सीखते सीखते सीखने के बाद भी आप परिपक्व नहीं हो पाते। ठीक वैसे ही करोड़ों रुपए की फिल्म जब आप देख कर आते हैं तो आप उसमें 100 कमियां निकालते हैं, तो आप एक्टिंग तो सीखते रहिए। दूसरा कि मुंबई में ऑडिशन के बारे में कैसे पता चलेगा, जो बच्चे मुंबई में आते हैं रहते हैं उनके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है तो बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के ग्रुप्स होते हैं जिसमें लोग मेंबर्स होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के ग्रुप होते हैं, फिर कुछ कंपनीज प्रोडक्शन हाउस हैं वो खुद अपनी चीज़ें फेसबुक पे डालती हैं कि भाई फला दिन फला टाइम में इस एज ग्रुप में इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस हैं, फिर एक माउथ पब्लिसिटी होती है, मैं फला जगह गया था वहाँ पे क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग चल रही है, तो लोग वहाँ मूव करते हैं, ऐसे हज़ारों जगह पे हज़ारों चीज़ें होती रहती हैं। तो जो मुंबई में बैठा होता है, जो मुंबई में मतलब शूटिंग के हब में जो बैठा होता है, उसको पता चलता रहता है कि कहाँ ऑडिशन है, खास करके अंधेरी से लेकर गोरेगांव तक की इंडस्ट्री में सारी चीज़ें होती हैं। आप जब 4 ऑफिस में घूमते हो प्रोडक्शन हाउस के, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ महाराणा प्रताप की शूटिंग हो रही है और कास्टिंग चल रही है, और कहाँ रजिया सुल्तान की कास्टिंग चल रही है। तो जो लोग मुंबई में रहते हैं और एवरी डे घूमते रहते हैं जहाँ जहाँ ऑडिशंस होते हैं, चार बंगला माडा में, श्री जी के पास आदर्श नगर में, या गोरेगांव में मोतीलाल नगर में, या मिली पार्ले में, उन्हें पता रहता है। उनका आखिरी सवाल है कि मुंबई में मुझे कॉमेडी एक्टर बनना है किस तरह प्रैक्टिस करूँ। अब कॉमेडी एक्टर बनना है तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉमेडियन हुए, चाहे कादर खान हो, असरानी हो, महमूद साहब हो, जॉनी वॉकर हो, जॉनी लीवर हो, आप सबकी फिल्में देखिए और देखिए आप किसके करीब हैं। मुझे लगता है कि आप उसमें से किसी के करीब ना बनकर आप अपने आप कुछ एक ऐसा बनाइए कि लोग बोले कि यार क्या कॉमेडियन है विशाल कुमार, विशाल जैसा कॉमेडियन तो कोई नहीं। तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमेडियन के अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, कब कॉमेडी करनी है उसको कहते हैं टाइमिंग, कि इस टाइमिंग पे ये रिएक्शन देना है, इस टाइमिंग पे ये डायलॉग होना चाहिए, इस टाइमिंग पे मुझे ये चीज़ करना है। टाइम अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गई कॉमेडी खत्म। तो आपको टाइमिंग का ध्यान बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। और दूसरी चीज़, सामने एक्टर जब परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें ढूंढते रहिए कि एक कॉमेडियन को कभी ठहराव सा नहीं आना चाहिए, उसके आँखों में, उसके बोल में, उसके बदन में हमेशा कुछ ना कुछ थिरकन सी चलती रहनी चाहिए। और उस थिरकन में कॉमेडी, आपका मकसद है दूसरों को हंसाना, तो दूसरे कैसे हंसे, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये ध्यान में रख के, कि फुहड़ता ना हो, बोरिंग ना हो, और सबसे बड़ी बात उसमें कोई चीज़ बार बार दोहराव ना हो, फ्रेश हो। और कॉमेडियन बनना बहुत टफ है, बहुत टफ है, किसी को हंसाना बहुत टफ है।
आप कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरूर बनेंगे और हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन बनेंगे। ये मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं।